नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीयन करने में निजी स्कूल रुचि नहीं ले रहे। राज्य भर में अब तक मात्र 15 निजी स्कूलों ने ही ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीयन करवाया है, जबकि 20,000 से अधिक निजी स्कूल है। पटना जिला की बात करें तो जिले भर में 8,000 के लगभग निजी स्कूल है, लेकिन पोर्टल पर 0 स्कूलों ने ही पंजीयन करवाया है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार के तहत राशि देने के लिए ज्ञानदीप पोर्टल बनाया है। मालूम हो कि इस पोर्टल पर हर निजी स्कूलों को RTI के तहत नामांकित प्रत्येक बच्चे की पूरी जानकारी देनी है। चीन में फैल रहे रहस्यमय बुखार को लेकर भारत सरकार अलर्ट हो गई है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उत्तरी चीन में बच्चों में बढ़ रहे H9N2 संक्रमण पर भारत सरकार बारीकी से नजर रख रही है। हालांकि सरकार ने यह जरूर कहा है कि फिलहाल भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा के मामलों के साथ साथ श्वसन संबंधी बीमारी का जोखिम कम है। इसके बावजूद सरकार किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। बता दें कि बीते कुछ सप्ताह में चीन में निमोनिया जैसी रहस्यमय बीमारी तेजी से फैल रही है। बिहार में सहकारिता विभाग ग्रामीणों क्षेत्र में नागरिक सुविधाएं के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया करने की दिशा में काम कर रही है। बिहार में पैक्स को खाद और बीज वितरण में इतर अन्य कारोबार से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसकी घोषणा शुक्रवार को सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने की। इसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शुक्रवार को सहकारिता विभाग ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने कहा कि बिहार में सहकारिता को बढ़ावा देना है। विमेंस प्रीमियर लीग 2024 ऑक्शन की तारीख सामने आ गई है। दरअसल विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन का आयोजन 9 दिसंबर को होना है। वहीं सिलामी की मेजबानी मुंबई करेगी। इस ऑक्शन में कई क्रिकेटरों पर जमकर पैसों की बारिश हो सकती है। मसलन इस ऑक्शन के लिए डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस समेत तकरीबन सारी टीमें तैयार है। इससे पहले पिछले दिनों टीमों ने कुल 60 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, जबकि कई बड़े खिलाड़ियों को टीमों ने रिलीज करने का फैसला किया था। बिहार में इन दिनों आटा, दाल और प्याज के भाव तेजी से चढ़ गए हैं। इसकी वजह से आम आदमी हलकान है, लेकिन अब इस समस्या को भगाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से बड़ी राहत दी गई है। बिहार के कुछ जिलों में सस्ते रेट पर ये सभी चीजें उपलब्ध कराई जा रही। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से भारत आटा व चना दाल राज्य के विभिन्न शहरों में केंद्रीय भंडार नेफेड एवं NCCF के सभी फिजिकल एवं मोबाइल आउटलेट से सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इसकी घोषणा शुक्रवार को भारत और यूरोपीय संघ कारोबारन व प्रौद्योगिकी परिषद की हुई वर्चुअल बैठक के दौरान की गई। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेलवे, संचार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। छठ पूजा के बाद एक बार फिर पटना की सब्जी मंडियों में प्याज और टमाटर की कीमतें बढ़ने लगी है। 50 रुपए प्रति किलो पर बिकने वाला प्याज राजधानी की विभिन्न सब्जी मंडियों में 60 से 70 रुपए किलो के बीच बिक रहा। वहीं 50 से 60 रुपए किलो मिल रहे टमाटर की कीमत 70 से 80 रुपए के बीच पहुंच गई है। सप्ताह भर तक सब्जियों के दाम बढ़े रहने के आसार है। इसके बाद गिरावट आएगी। मीठापुर थोक सब्जी मंडी के कारोबारी राम कुमार साव ने बताया कि बेंगलुरु से टमाटर की आवक बढ़ने के कारण इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। HAL के दौरे के दौरान पीएम मोदी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 की विनिर्माण सुविधा की समीक्षा किए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार हाल ही में 12 SU-30MKI लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए HAL को एक टेंडर जारी किया गया है। इनका निर्माण HAL द्वारा रूस के उपकरण निर्माताओं के साथ संयुक्त रूप से भारत में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अगले महीने तक परियोजना के विवरण के साथ निविदा का जवाब देने की उम्मीद है। बिहार भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद टीचरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। इस दौरान बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई भी नजर आई थी। बिहार के एक टीचर को ऐसे स्कूल में नियुक्त किया गया जहां पर स्कूल के नाम पर एक झोपड़ी था। वहीं ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। पटना जिला के कुल 4,835 नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय में योगदान देना है, लेकिन अब तक 1,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है। पटना में 70 में अब तक केवल 28 नवनियुक्त शिक्षकों ने ही योगदान दिया है। भारत और नेपाल मिलकर जंग का अभ्यास कर रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में यह जंगी अभ्यास शुरू हो गया। यह जंगी अभ्यास 7 दिसंबर को समाप्त होगा। जानकारी के अनुसार भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण शुक्रवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाने वाला इस बार का वार्षिक अभ्यास 7 दिसंबर को समाप्त होगा। बिहार सहित पूरे देश में 4 से 11 दिसंबर तक बैंकों में चरणबद्ध तरीके से हड़ताल होगी। इसमें विभिन्न बैंकों के कर्मी विभिन्न विभिन्न तिथियों को हड़ताल में शामिल होंगे। 4 दिसंबर को भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं पंजाब एवं सिंध बैंक के कर्मी सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने बैंकों में मानव संसाधन की अत्यधिक कमी के विरोध में हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में देश के पहले टिहरी एक्रो फेस्टिवल की बीते दिन शुक्रवार से शुरुआत हो गई है। 24 नवंबर से 28 नवंबर तक चलने वाले फेस्टिवल में 26 देशों के प्रतियोगियों ने शिरकत की है। टिहरी एक्रो फेस्टिवल का शुभारंभ मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। आयोजन की सफलता से राज्य के बड़ा पर्यटन हब बनने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
ठंड का मौसम शुरू होने के साथ ही डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। शुक्रवार को पटना व आसपास इलाके में 38 नए डेंगू के मरीज मिले। इसके साथ ही पटना जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 8411 हो गई है। सबसे अधिक पाटलिपुत्र अंचल में 15, जबकि दानापुर में 3, बांकेपुर, अजीमाबाद, कंकड़बाग व फतुहा में 2-2, न्यू राजधानी अंचल व पटना सिटी में 1-1 नए डेंगू मरीज मिले हैं। भागलपुर सदर अस्पताल में शुक्रवार को एलिजिया जांच में डेंगू का 1 कन्फर्म मरीज मिला। इधर मायागंज अस्पताल में 17 मरीजों का इलाज चल रहा था। यदि आपको भी इस बात को लेकर शिकायत थी कि आप सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ FIR नहीं करा सकते, तो आपकी समस्या को सरकार ने दूर कर दिया है। यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी IT नियमों का उल्लंघन करती है, तो देश का कोई भी नागरिक इनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, जहां से यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा IT नियमों के उल्लंघन के बारे में शिकायत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि IT नियमों के उल्लंघन करने पर कोई रहम नहीं की जाएगी। टाइरोसिनेमिया टाइप ए लीवर की एक दुर्लभ बीमारी 1 लाख की जनसंख्या में सिर्फ एक व्यक्ति को होने की आशंका, लेकिन यदि किसी को हो जाए तो इस इलाज से भी दुर्लभ। इसकी दवा कनाडा से मंगानी पड़ती है और जिसे लेने का सालाना खर्च 2.2 करोड़ रुपए आता है, लेकिन अब इसका इलाज भारत में ही बनी दवा से हो सकेगा, जिस पर सिर्फ 2.5 लाख रुपए का सालाना खर्च आएगा। विश्व कप क्रिकेट 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 6वीं बार विजेता होने का गौरव हासिल किया है। पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा भारत, फाइनल में हार गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत हार से हुई, लेकिन फाइनल में भारत पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भारी पड़े। ट्रेविस हेड के शानदार शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट शेष रहते 240 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के कई सोशल मीडिया पेज पर भारतीय क्रिकेटर्स के खिलाफ अपमानजनक कमेंट किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मीडिया पेज नामक एक पेज पर भी काफी अपमानजनक कमेंट किए गए हैं। अशांति से जूझ रही दुनिया को हिंदू धर्म के मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता और आपसी सद्भाव के रास्ते पर चलकर ही शांति प्राप्त हो सकती है। हिंदू मूल्यों को अपनाने से ही शांति स्थापित होगी, यह कहना है थाईलैंड के प्रधानमंत्री सेथा थावीसीन का। उन्होंने कहा कि दुनिया में आज हिंदुओं की पहचान एक समृद्धशाली और प्रगतिशील समाज के रूप में हो रही है। योग, वेलनेस और आयुर्वेद को लेकर पतंजलि योगपीठ और भारतीय सेना के बीच एक MOU साइन हुआ है। इस MOU का साइन करते वक्त पतंजलि ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना पतंजलि के लिए गौरव की बात है। इस MOU को उत्तर प्रदेश के बरेली में साइन किया गया। इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण और इंडियन आर्मी के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे। अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया है। कमेटी की नियुक्ति से लेकर फिर DRI की रिपोर्ट पर पूरा फैक्ट नहीं देने के लिए कोर्ट ने वरिष्ठ वकील को खूब सुनाया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच सेबी कर चुकी है। इसके बावजूद प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा था कि DRI के अलर्ट करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वरिष्ठ वकील के इस आरोप पर जज नाराज हो गए। जाने माने निवेशक वॉरेन बफे समर्थित बर्कशायर हैथवे ने शुक्रवार को खुले बाजार में सौदों के जरिए पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। बर्कशायर हैथवे की पेटीएम में 2.46% हिस्सेदारी थी, जिसे कंपनी ने 1371 करोड़ रुपए में बेचा है। बर्कशायर हैथवे इंक ने अपने सहयोगी VH इंटरनेशनल होल्डिंग्स के माध्यम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर पेटीएम के 1.56 करोड़ से अधिक शेयर बेचे। इसमें बफे को प्रति शेयर 31% का घाटा हुआ है, जिसमें दिग्गज निवेशक को 620 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ है। इसके पहले जब पेटीएम को IPO आया था, तो वॉरेन बफे ने 220 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। यदि आप थाईलैंड में घूमने का प्लान तैयार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह अहम खबर है। दरअसल टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने ऐलान करते हुए कहा है कि वह 15 दिसंबर से दिल्ली से थाईलैंड के लोकप्रिय द्वीप फुकेत के लिए नॉनस्टॉप उड़ानें भरेगी। एयरलाइन के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि यह सेवा पर्यटन और व्यापार के लिए दोनों शहरों के बीच सुविधाजनक हवाई संपर्क की मांग को पूरा करेगी, साथ ही एयरलाइन की विस्तार योजनाओं को भी बढ़ावा देगी। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान विदेशी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठनों में पाकिस्तान के सेवानिवृत्त सैनिकों की मौजूदगी है। द्विवेदी ने बुधवार और बृहस्पतिवार को राजौरी जिले में धर्मसाल क्षेत्र के बाजीमाल इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 2 कैप्टन सहित 5 सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद यह टिप्पणी की। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान में प्रशिक्षित और पाकिस्तान निवासी शीर्ष लश्कर कमांडर क्वारी सहित 2 आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को विभिन्न नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन को लेकर सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना से संबंधित मानदंडों और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आचार संहिता का पालन नहीं करने के लिए सिटी बैंक NA पर सबसे अधिक 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रेल मंत्रालय में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। इसके लिए रेल विकास निगम लिमिटेड के कई पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे RBNL की आधिकारिक वेबसाइट RBNL.org पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का इन पदों पर चयन बिना परीक्षा होगा और उन्हें केवल इंटरव्यू के राउंड से गुजरना होगा।
विक्रांत मैसी की फिल्म बारहवीं फेल बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत से ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिल्म 27 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब रिलीज के 29 दिन बाद ही फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। यहां तक कि टाइगर 3 जैसी बड़ी फिल्म को रिलीज के बाद भी बारहवीं फेल डटी हुई है। सैकनेल की रिपोर्ट की माने तो फिल्म ने बारहवीं फेल ने 28वें दिन 70 लाख रुपए कमाए थे, वहीं अब 29वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारहवीं फेल ने चौथे शुक्रवार को 0.67 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की टोटल कमाई 42.97 करोड़ रुपए हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने विशेष अदालत में कहा कि उसने कभी भी किसी नेता का धन नहीं पहुंचाया, उसे फंसाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने नकदी पहुंचाने के आरोप का सामना कर रहे असीम दास और पुलिस आरक्षक भीम सिंह यादव को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 4 दिन पहले को गिरफ्तार किया था। असीम दास के वकील शोएब अलवी ने जानकारी दी कि दास और यादव को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर धन शोधन रोकथाम कानून मामलों के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, सिद्धार्थ कुमार, रविशंकर, नौसद अंसारी, अनवर करीम खान, मृदुल कुमार, रमन कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में आटा, दाल और प्याज की क्या कीमत है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।